हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। तो देख रहे हैं किचन की हालत ये इसलिए हुई है कि आज कल रात से मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, तो फिर इन्होंने आज रोटी बनाई थी सुबह, तो फिर किचन की ये हालत हो गई थी। और ये काफ़ी हद तक मैं साफ़ कर चुकी थी, फिर भी ऐसी हो रही थी। तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि सफाई करना ही उचित समझा। होता है ना कि जब तक साफ सुथरी ना हो, मुझे पता है कि मैं जब काम करूँगी तो वापस से बिखरेगी, लेकिन जब तक साफ सुथरी सी नहीं होती ना किचन, तो उसमें काम करने का मन नहीं होता है ना। तो गैस भी इन्होंने साफ नहीं किया था। अब आदमी तो जितना कर सकते उतना कर देते, तो इन्होंने रोटी बनाई और दाल बनाई थी या सब्जी बनाई थी, ऐसा कुछ बनाया था, और बस तो उसमें इतनी ज़्यादा बिखर गई थी कि पूछो मत। तो फिर मैंने सबसे पहले सफाई की और प्लेटफॉर्म को ये साफ़ किया, किचन काउंटर को, तो उसके बाद ही मुझसे काम होता है, वरना मुझसे काम नहीं होता है। और काम आज काफ़ी था, 1.25 घंटे मुझे 3-4 चीज़ें बनानी थी और सब कुछ करके रखना था, क्योंकि मैंने पिछले व्लॉग में बताया था सब्जी आनी है। तो सब्जी आने के अगले ही दिन मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लगी मुझे, तो मैंने वो सब्जियां और भी संवार के नहीं रखी थी। और आपको पता ही है जब सब्जी वगैरह आती है तो मैं सब कुछ साफ़ करके रखती हूँ। तो अभी बैंगन था ये, और काफ़ी दिनों से हमने भरता नहीं खाया था, तो इसलिए बैंगन का भरता बनाऊंगी। साथ ही में करेले भी रखे थे, उनको भी बनाना था। जो मिर्ची होती है ना मोटी वाली, उनको भी भरमा मिर्ची बनानी थी। पालक वालक भी तोड़ने थे और मटर भी छील के रखने थे, चटनी भी बनानी थी, तो ये सारे काम करने थे। तो सबसे पहले बैंगन को चढ़ा दूंगी, ये भुनेगा ना तब तक और काम जो है वो हो जाएंगे। और इन्होंने जो सब्जी बनाई थी वो बची हुई थी 1 कटोरी, तो उसको भी यूज़ लेना था। तो क्योंकि कोई भी चीज़ जो है ना मैं वो वेस्ट नहीं करती हूँ, जो जो कुछ होता है ना उसको कैसे करके नया रूप देके कर लेते हैं, और अधिकतर लोग ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पे बस पालक जो है वो तोड़ के रखे, और ये धनिया था, तो धनिया को भी कट करके और साफ़ करके इसकी चटनी वटनी बनानी थी। तो ये सब चीज़ें रखी होती है ना सब कुछ की भी। अब पत्ता गोभी और भी मैं तो कट करके रख देती हूँ, और जब भिंडी होती है तो भिंडी भी कट करके रख देती हूँ एयरटाइट कंटेनर में, तो वो ख़राब नहीं होती हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। ऐसे देखो, ऐसे बस जो पुराने डब्बे होते हैं ना टिफ़िन लंच बॉक्स, और उसमें मैं रख देती हूँ। अब ये करेले, करेले बनाने थे, अब करेले बनाते हैं तो ये करेले 3-4 दिन चल जाते हैं, स्टफ्ड करेले जो होते हैं ना। तो फिर उसमें क्या होता है कि बस एक सब्ज़ी बनाओ या दाल बनाओ और बस उसके बाद हो गया, वरना कुछ 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 बनाते ही रहो। तो यहाँ पे बस करेले जो है वो छोड़ दूंगी और मिर्ची जो है वो कर दूंगी। तो बाकी ये मिर्ची करेले और चटनी रहती है ना तो सही रहता है। अब चटनी रहती है तो भेल वेल भी बन जाती है या सैंडविच में भी काम आ जाती है। तो ऐसे करके अगले 2-3 दिन का काम ना मेरा आसान ऐसे हो जाता है। तो करेले बना के रख दी, ये मिर्ची जो है स्टफ्ड मिर्ची वो बना के रख दी, आधी मिर्ची के डंठल तोड़ के रख दूंगी। आपको पता ही है मैं पिछले 1-2 साल से बता रही हूँ कि डंठल तोड़ के रख दो तोड़ के, तो बस ये ख़राब नहीं होती। ये भी मैं एक लंच बॉक्स जो होता है ना इल्लू का पुराना कोई, उसमें रख देती हूँ, तो फिर ये काफ़ी दिनों तो ख़राब नहीं होता। ना ही धनिया ख़राब होता है और ना ही पालक ख़राब होता है। तो कुछ की मैं मिर्ची स्टफ्ड मिर्ची बना लूँ, तो मुझे और मेरे हस्बैंड को मिर्ची और करेले बहुत पसंद है। ये हो ना उसके बाद हम सुबह शाम ये खाते रहेंगे, ऐसा रहता है। लेकिन हाँ, नई सब्जी भी बनाती हूँ, ऐसा नहीं कि बनाती नहीं हूँ। तो बैंगन मेरा भुन चुका था और काम आधे हो चुके थे, तो बस इसका बस फटाफट मुझे बैंगन का भरता बनाना। तो बैंगन का भरता भी मुझे और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। और बैंगन जो स्टफ्ड वाले होते हैं ना छोटे छोटे बैंगन, उनको या तो टमाटर की प्यूरी में बना लो या बेसन डाल के भरमा बना लो, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पे ये छील के और बैंगन का भरता मुझे फटाफट बनाना था, क्योंकि अभी चटनी वाला काम भी था, बाकी सब्जियाँ मैंने करके रख दी थी। फूल गोभी और भी जो होते हैं ना वो भी मैं उनके डंठल तोड़ के उनको अलग अलग फूल निकाल के रख देती हूँ, ख़राब नहीं होती हैं वो। क्योंकि देखो दोनों टाइम ही सब्जियाँ बनती हैं, या फिर कभी पराठा बन गया है कुछ, तो वो जल्दी से ख़राब नहीं होती। हफ्ते भर तक मेरी कहीं नहीं जाती हैं सब्जियाँ, लेकिन हाँ बीच बीच में चेक करते रहना चाहिए कि कहीं ख़राब तो नहीं हो गई। फ्रिज में रख दो ना एयरटाइट कंटेनर में डाल के, तो कुछ भी ख़राब नहीं होता है। तो बस यहाँ पे मैंने बेसन जो भुना हुआ था उसमें सारे मसाले मिला लिए थे। इन सब की रेसिपी मैं आप लोगों को कई बार दे चुकी हूँ, इसलिए रेसिपी नहीं दे रही हूँ, फटाफट थोड़ा थोड़ा व्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि आज भी मेरे फ़ोन में स्पेस की प्रॉब्लम है, क्योंकि कुछ चीज़ें कई चीज़ें ऐसी डिलीट करनी है लेकिन डिलीट की नहीं जा रही हैं। क्योंकि सच में यार कुछ चीज़ें ऐसे होती हैं जिन्हें डिलीट करने का मन नहीं होता है, तो वही वाली चीज़ें रखी हैं, तो वीडियोस रखी हैं। अब मैं हम लोग क्या है अपनी लाइफ का जो डेली जो दिन है हर दिन शूट करते हैं, तो फिर ना बहुत ज़्यादा मोबाइल में स्पेस भर जाता है। ये चटनी यहाँ पे बन गई थी तो बस डब्बे में डाल के रख दूँगी। यहाँ पे ये भरता भी तैयार हो गया था, देखो हरा धनिया वगैरह डाल के बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए करेले तैयार हो गए थे, ये 2-3 दिन चल जाएंगे। और ये मिर्ची बन गई थी
अभी पूरी तैयार नहीं हुई थी और ये चटनी मेरी तैयार हो गई थी। तो अब क्या है कि इन्होंने ये सुबह ये आलू गोभी मटर और की सब्जी बनाई थी, लेकिन इतनी से ज़्यादा थी कुकर में, खूब सारी सीटियाँ दे दी थी तो गोभी और कुछ दिख ही नहीं रही थी। तो मैंने कहा कि आटे में थोड़ा से मसाले और डाले और इसको डाल के मैंने आटा गूंद दिया था तो ये पराठे बन जाएंगे। तो इस तरीके से आज का शाम का काम किया मैंने। सो फ्रेंड्स, मेरा सारा काम हो गया है, किचन का सारा काम हो गया है, कल तक का हो गया। अगले दो दिन का मान लो कि बस अब एक एक सब्जी और आटा लगाना पड़ेगा तो हो जाएगा। तो बस अब थोड़ा सा बाहर जाके आते हैं इलू के साथ, इलू को भी थोड़ा टाइम दे दो। इलू भी क्या है, पढ़ पढ़ के बोर हो जाती होगी, दिन भर पढ़ना पड़ता है तो फाइनल एग्ज़ाम्स है। और आगे एक चीज़ और बताऊँगी जिस जो मुझसे पूछा गया था, तो वो चीज़ पूरी अगर हो सका, मेरे पास टाइम हुआ अभी, तो मैं आपको करके बताऊँगी। ठीक है, चलो फिर बाहर जाके आती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज अगला दिन हो गया है। उस दिन मेरे फ़ोन में जब ये व्लॉग जाएगा तो कोई स्पेस नहीं था। ये छोटा सा व्लॉग इसलिए बना रही क्योंकि यहाँ पे मुझे एक चीज़ का आंसर देना है। तो एक किसी का था और बहुत पहले आया था, मैं आंसर नहीं दे पाई कि जो मतलब कोई है हमारी फैमिली मेम्बर यहीं यूट्यूब की, उनको क्या है कि वीडियोस वो भी बनाना चाहती है, वो मेरी वीडियोस देखती हैं। बट कमेंट जो है ना, फर्स्ट बार किया था कि वो जब उनके हस्बैंड भी चले जाते हैं, उसका उनका बच्चा भी जो है स्कूल चला जाता है, नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, तो उनको ऐसा लगता है कि वो कुछ नहीं करती हैं, इनबाउंड आ जाती है, ऐसा कुछ था। तो वो भी वीडियो बनाना चाहती है, तो किस तरीके से बनाएं और ऐसे कुछ शायद फ़ोन नंबर मांगा था। देखो, फ़ोन नंबर की तो मुझे परमिशन नहीं है, आप इंस्टाग्राम में आप लोग जो भी कुछ पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। हालांकि इंस्टाग्राम भी अभी मैंने डिलीट कर रखा है, लेकिन इंस्टाग्राम में एक बार कर लूँगी वापस इंस्टॉल और उसके जवाब आप लोगों के दे सकते हो। तो वीडियो बनाने के लिए देखो कुछ नहीं चाहिए, आपके पास फ़ोन होना चाहिए, बस मोबाइल है। देखो आजकल सभी के पास स्मार्टफोन होते हैं, तो बस ये होना चाहिए। उसके अलावा आपको चाहिए ट्राईपॉड, ये पुराना है मेरा, ट्राईपॉड होना चाहिए। ये 400 या 500 में आ जाता है, ऑनलाइन मिल जाता है, अच्छा वाला नहीं मिलेगा लेकिन एक बार शुरुआती तौर पे मिल जाएगा। तो अपना अकेलापन दूर करना चाहते हैं तो हाँ, यूट्यूब ने अच्छा प्लेटफॉर्म दे रखा है, उससे आप अर्न भी कर सकते हैं। लेकिन पहले ही मत सोचना कि अर्निंग हो जाएगी धड़ाधड़ धड़ाधड़, नहीं। आपको 1000 सब्सक्राइबर भी करने होंगे, 4000 घंटे भी पूरे करने होंगे, उसके बाद मोनेटाइज होगा। मोनेटाइज होने के बाद भी अगर अच्छे व्यू आते हैं तो हम अर्न कर पाते हैं। तो आप, मेरा जो मानना है ना, मैं वो बताती हूँ। मैं किसी को भी फिजूल खर्ची करने की कोई राय कभी भी नहीं देती हूँ। तो मैंने जब यूट्यूब स्टार्ट किया तो मेरा ये मानना था कि जब तक मैं अर्न नहीं कर लेती इस चीज़ से, तो मैं किसी भी चीज़ में पैसा नहीं लगाऊंगी। तो मेरे भैया दूज के पैसे आए थे, मेरे पास सिंपल सा एक फ़ोन था जिसमें कि स्पेस भी नहीं था, ना ही ट्राईपॉड था। तो मैंने एक हाथ से वीडियो बनाया करती थी, कुकिंग वीडियोज ऐसे करके बनाया करती थी, ठीक है। तो ट्राईपॉड भी नहीं था। फिर मेरे भैया दूज के पैसे आए, मेरे पास 500-600 का मैंने ट्राईपॉड लिया, 450 से भी स्टार्ट हो जाता है, अमेज़ॉन में मिल जाएगा। तो ऐसे किया, फिर ट्राईपॉड लिया, ट्राईपॉड से थोड़ी सहूलियत तो हुई। फिर वो ट्राईपॉड भी टूट गया, फ़ोन में भी स्पेस नहीं था, तो मैंने ट्राईपॉड के यहाँ पे रबड़ बैंड बांध के भी काम चलाया और काफ़ी दिनों तक मैंने ट्राईपॉड बड़ा वाला नहीं लिया। ये मेरा सेकंड ट्राईपॉड है, ये 950 का आया था। 950 का ट्राईपॉड भी मैंने तब तक नहीं लिया जब तक मैंने यूट्यूब से अर्न नहीं किया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा अच्छा कैमरा और ट्राईपॉड और माइक और होना आपके पास ज़रूरी नहीं है, आपका कंटेंट जो है वो अच्छा होना चाहिए। माइक वैसे 200 रुपये से शुरू हो जाते हैं, इतना कोई महंगी चीज़ नहीं है, लेकिन मेरा मानना ये था कि मैं जब तक अर्न नहीं करूँगी तब तक मैं ऐसा कुछ भी नहीं लूँगी। और ऐसा नहीं था कि मेरे पास पैसे नहीं थे या मेरे हस्बैंड दिलाते नहीं थे, ऐसा भी नहीं था, वो सब कुछ करने को तैयार थे कि अच्छा ये कर लो वो कर लो, लेकिन नहीं, मेरा ये मानना था कि मैं जब तक अर्निंग नहीं करती तो क्या मतलब है। जिस दिन मैं यूट्यूब से अर्न करने लग जाऊँगी उस दिन मैं ये सब कुछ ले लूँगी। तो जब मेरी अर्निंग स्टार्ट हुई तब भी मैंने सिर्फ ये दो कोई ट्राईपॉड लिए, ये भी कोई टूट गया तो मैंने तीसरा वाला ये लिया, वरना मैंने आज तक माइक भी नहीं लिया है। मेरा गला ही मेरा माइक है और ट्राईपॉड बस, जो फ़ोन है। फ़ोन भी मैंने बहुत एक साल बाद जो है फ़ोन लिया, क्योंकि उसमें बिल्कुल स्पेस की प्रॉब्लम हो गई थी और मेरे व्लॉग्स जो हैं लंबे में बना नहीं पा रही थी और मेमोरी कार्ड जो है सपोर्ट नहीं कर रहा था इंटरनल स्पेस के बिना। तो इस वजह से फिर मैंने अच्छा फ़ोन लिया थोड़ा, जिसमें कैमरा क्वालिटी सही थी। तो अभी भी मैंने बहुत ज़्यादा महंगा वाला फ़ोन नहीं ले रखा है, मोबाइल नहीं ले रखा है। तो बस यही है कि जो है जैसा है उससे आप शुरू कर सकते हो यूट्यूब। और कैसे मैं वीडियो बनाती हूँ उसके ऊपर मैं अलग वीडियो बना दूँगी, कैसे हम कैमरा को सेट करके कैसे कैसे हम बनाते हैं उसके ऊपर, अगर आपको चाहिए या कोई भी देखना चाहता है कि मैं वीडियो कैसे बनाती हूँ, तो उसके ऊपर अलग से आपको वीडियो जो है
मिल जाएगी। तो एक बार ही आपको ऐसा कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है, जो फोन है उससे आपको वीडियो बनाई, कहीं भी स्टैंड नहीं है, ट्राइपॉड नहीं है, तो कहीं भी इधर उधर यूं रख के भी आप जो है बना सकते हैं। मेरे पास फ्रंट कैमरा अच्छा नहीं था शुरू में, तो मैंने बैक कैमरा से वीडियोस बनाती थी पहले, ये बैक कैमरा से बनाती थी, देखती थी कि हाँ आ रहा है ना, फिर यूँ काम करती, फिर जाके कट करती ऐसे करके। तो बहुत मुश्किलों से मैंने जो है इस यूट्यूब के चैनल को थोड़ा ग्रो किया है, तो अब जाके थोड़ी अर्निंग होती है। और ऐसा नहीं है कि आपके शुरू करते ही आपका मोनेटाइज हो जाएगा या अर्निंग हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। तो मेरी अगर जो मैं अपनी बताऊँ ना, कि मेरा ये मानना है कि जो है जैसा है उसमें काम चलेगी, फिर अर्निंग हो जाए तो आप आगे उस जो भी चीज़ें आप लेना चाहते हैं वो ले लीजिए। पहले से ही हम महंगी महंगी चीज़ें ले लें, हम मैं कैमरा ले लेंगे, हम ट्राइपॉड ले लेंगे, हम ये ले लेंगे, हम वो ले लेंगे, हम माइक ले लेंगे, और फिर हमारी अर्निंग ही नहीं हो तो हमारी वो चीज़ें गई, हमारा पैसा भी बर्बाद हुआ। इस वजह से मैंने ऐसा किया था। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका चैनल बहुत जल्दी भी ग्रो हो सकता है, और बहुत हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लेट ग्रो हो, क्योंकि यहाँ पे मेहनत के साथ साथ लक भी काम करता है, मैंने यूट्यूब पे ये देखा है। तो मेरा भी मध्यम श्रेणी का ही मान लो होगा चैनल, मेरा कोई बहुत अच्छा ग्रो नहीं है और ना ही मैं उस लेवल पर अभी काम कर रही हूँ। तो जो है जैसा है आप उसमें यूट्यूब की वीडियोज़ जो है बना सकते हैं, और कैसे बनानी है वो मैं आपको बता दूँगी। और दूसरा एक सवाल ये था कि बहुत सारे बचत ही बचत के आते, तो मैं एक बात ये कहना चाहूँगी कि बचत करने के मैंने बहुत से टिप्स दे दी हैं आपको, यूट्यूब पे शायद किसी ने इतने दिए होंगे बचत और बजट, इतनी वीडियोस बनाई होंगी। तो बचत और बजट के जो टिप्स दे रखे हैं उसको अप्लाई कीजिए। और दूसरा, बचत के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि जो हमारी जो आय है ना, उसी में से अगर हम बचत करेंगे ना, तो छोटी छोटी बचत ही हो पाएगी, बहुत बड़ी बड़ी बचत नहीं होगी। तो बचत के लिए एक चीज़ ये भी ज़रूरी है कि आपकी अपना जो इनकम है ना, उसे थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश कीजिए, किसी भी काम को छोटा मत समझिए। तो और एक्स्ट्रा इनकम आएगी तो वो हमारी बचत हुई। अब जैसे ये मेरा यूट्यूब से जो भी मुझे सैलरी मिलती है, वो सारी की सारी या तो मैं मम्मी वगैरह के लिए कुछ ले लिया, या किसी को कुछ दान कर दिया, थोड़ा बहुत उसमें करती हूँ, और बाकी का सारा मैं बचत कर लेती हूँ। और मेरे हस्बैंड का भी यही है, हम दोनों का यही है, किसी काम को हम छोटा नहीं समझते, और जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा इनकम थोड़ी बहुत आती है तो उसको हम थोड़ा थोड़ा बचत कर लेते हैं। क्योंकि अब कोरोना काल में आप देखिए सबकी, हमारी तो अभी मार्च तक 50% लॉस में। तो मेरा कहना कि यही है कि बचत भी करो, छोटी छोटी बचत भी करो, प्लस इनकम को बढ़ाने की भी जो है वो कोशिश करो, किसी काम को छोटा मत सोचो। जिस बाहर से आता हुआ एक रुपया भी अगर हमारे पास हमारी सैलरी से एक्स्ट्रा आ रहा है तो वो बहुत बड़ी बात है। 2 रुपये भी आ रहे हैं, 3 रुपये भी आ रहे हैं, तो वो हमारी सैलरी में एक्स्ट्रा तो आ रहे हैं ना, सैलरी से एक्स्ट्रा, तो वो 2 या 3 रुपये को हम फिर बचा सकते हैं या किसी ज़रूरी काम में यूज़ ले सकते हैं। तो किसी काम को छोटा ना समझ करके कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, छोटे मोटे काम भी एक्स्ट्रा करते रहना चाहिए, ताकि आपकी थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम जो है वो हो जाए, और वो एक्स्ट्रा इनकम को आप बचत कर सकते हो। और एक चीज़ और, सब लोग पूछे क्या क्यों नहीं मेरे व्लॉग्स जो हैं कंटिन्यू आ रहे हैं, या क्या मैं कर रही हूँ क्या नहीं। ऐसा मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ। अभी मैंने आपको बताया था कि इलू के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, आज उसका फर्स्ट एग्ज़ाम है और फाइनल एग्ज़ाम्स हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा मैं बिज़ी हूँ। तो 8 मार्च तक उसके फाइनल एग्ज़ाम्स हैं, इस वजह से 8 मार्च तक थोड़ा मैं बिज़ी रहूँगी। तो एक दिन छोड़ के एक दिन कैसे भी आएगा, या हो सकता है मैं बीच में छोटी छोटी कोई वीडियोस डालूँ, और व्लॉग्स भी इसीलिए कंटिन्यू नहीं हो पा रहे हैं, है ना। मेन रीज़न जो है वो यही है। दूसरा जो है हमारा काम क्या होता है, पूरा फ़ोन का होता है। फ़ोन के काम में क्या होता है कि आँखों पे भी बहुत जोर पड़ता है, फिर एडिटिंग में और सब कुछ उसको डाला, सब कुछ किया, तो बहुत आँखों पे भी जोर पड़ने लगता है। तो मेरा ये था कि थोड़ा सा आँखों को भी आराम दूँ, तो इस वजह से थोड़ा से रेस्ट पे हूँ मैं। और यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब का जो काम है, ऐसा है, ये भी हमारी जॉब ही है। कुछ लोगों को यूट्यूब जो है ना जॉब के जैसे नहीं लगता है, तो यूट्यूब जो है ना यूट्यूबर्स के लिए जो है ना जॉब ही है ये। तो इसमें ये क्या है कि खुद अपने बॉस हैं, है ना, तो कभी भी हम छुट्टी कर लेते हैं या कुछ भी कर लेते हैं, ऐसा है। तो इस वजह से थोड़ा सा रीज़न यही है कि इलू के फाइनल एग्ज़ाम्स हैं, तो 8 तारीख तक इसलिए शायद ब्लॉग्स इधर उधर होंगे। और
थोड़ा सा मैं रेस्ट भी लेना चाहती थी। और देखो अपनी लाइफ को हर दिन, अपनी लाइफ के हर दिन को शूट करते हैं ना, तो कई कई बार ऐसा लगता है यार नॉर्मल जिंदगी भी जिए, तो थोड़ा सा नॉर्मल लाइफ में अभी जी रही हूँ, इस वजह से मैं व्लॉगिंग थोड़ा कम कर रही हूँ एक दो दिन में। और दूसरा स्पेस की प्रॉब्लम हो रही थी इस वजह से भी, तो ये दो तीन कारण है, ऐसा और कोई भी कारण नहीं है कि मैं क्या कर रही हूँ, कुछ स्पेशल कर रही हूँ या तीसरा चौथा काम कर रही हूँ, ऐसा भी कुछ भी नहीं है, तो बस यही रीज़न है। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।